बेटा इन द डीएनए स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो एडेनिन होता है वो हमेशा ही थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है बाय द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो साइटोसिन होता है वो बॉन्ड करता है गुआनिन के साथ बाय द थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे आप डायग्राम में देख रहे, देखें बेटा, देखिए एडेनिन आपका देखिए थायमिन के साथ बॉन्ड करता है, इसमें कितने बॉन्ड्स, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, टू होते हैं। और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ करता है, इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, थ्री बॉन्ड्स होते हैं। अब ये अगर आप देखेंगे तो डीएनए में दो आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड आपकी 5' से 3' है, सेकंड क्या है 5 से 3 है। ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन क्या एंटी पैरेलल। जो इनमें जो नाइट्रोजन बेसिस है ये एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। ये आपके पास कैसे आते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है डीएनए की, अब अगर हम डीएनए पे हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि डीएनए टेम्परेचर सेंसिटिव, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा बेसिकली इफेक्ट करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, डीनेचुरेशन हो सकती है। हाई पीएच पे भी डीएनए डीनेचर हो सकता है। सॉल्ट कंसेंट्रेशन अगर हम लो कर देंगे वो भी आपके डीएनए को डीनेचर कर सकता है, ठीक है। तो बेटा जो डीएनए है वो यूवी एब्जॉर्प्शन करता है 230 से लेकर 260 नैनोमीटर तक। अब देखिए बेटा आपका जो डीएनए है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्ट इनटू द आरएनए, एंड द इंफॉर्मेशन हम डीएनए टू आरएनए को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन में आता है इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन, एंड द कंप्लीट पाथ इज कॉल्ड ए सेंट्रल डोगमा।